भारत हमारा देश, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु ने लोगों को प्यार और इंसानियत सिखाने के लिए अवतार लिया, पहले श्री राम और फिर श्री कृष्ण के रूप में, जहां पर बचपन से हमें प्यार मोहब्बत और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पर लोग प्यार को पूजा मानते हैं। ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हम सच में प्यार को पूजा मानते हैं? क्या हम सच में प्यार को समझ पाए हैं, या सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए प्यार और इंसानियत का मुखौटा पहन रखा है? आइए देखते हैं। ये पक्षी कितने प्यारे होते हैं, है ना? अबे देख कैसे नाच रहे हैं। अरे वाह, अबे रुक, मैं वीडियो बनाता हूँ। तुझे इनकी एक खास बात पता? क्या? ये हमेशा जोड़े में रहते हैं और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, और अगर किसी वजह से एक की मौत हो जाती है तो दूसरा भी ज्यादा दिन तक उसके बगैर जिंदा नहीं रहता। हाँ, तो तुम्हारा भी तो यही हाल है। मतलब ये कि कल से फोन पे फोन किए जा रहे हो, बात हुई कि नहीं उससे? नहीं यार, फोन ही नहीं उठा रही है। हुआ क्या था? कुछ नहीं यार, मेरे उससे बात हो रही थी और मैं पता नहीं किस बात पर उस पर चिल्ला पड़ा और गुस्से में उसने फोन ही रख दिया। अब कम से कम फोन तो उठाए तो मैं समझाऊ ना। हाँ, तो अब छीछा लेदर किए हो तो समेटो उसे। मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ उसके स्कूल। ऐसा कर, तू भी चल, 2 बजे छुट्टी होती ना उसकी। हाँ चल। आज रितु का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट भी लेना है, चल वहीं से ले लूंगा। रितु का बर्थडे आज ही है? हाँ, मुझे उसके लिए कॉलेज गई है। हाय, क्या हुआ, नाराज हो? तुम आज भी टाइम से नहीं आ सकते थे? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पागलों की तरह बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यार, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, बॉस आने ही नहीं दे रहा था, झूठ बोलकर आया हूँ। हाँ तो ना आते, क्या जरूरत थी आने की? अच्छा, अब छोड़ो ना यार, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम हो कि नाराज होके बैठी हो। तुम्हें पता है, तुम ना गुस्से में बहुत गंदी लगती हो। हाँ सच कह रहा हूँ, मैं भरोसा नहीं होता, खुद ही देख लो। मैं मार दूंगी। हाँ अच्छा, एक मिनट रुको, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? वही जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ऐसा क्या है इसमें? खुद ही खोल कर देख लो। अरे वाह कान्हा जी, थैंक यू, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? रितु। हाँ एक बात बताओ, हमको मिले हुए 4 साल हो गए। हाँ तो, लेकिन आज तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा क्या चाहिए, मांग लो, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। पक्का मांग लो? हाँ पक्का। सोच लो। मैंने सोच लिया है, जो मांगना है मांग लो। मुझसे शादी करोगी? चाहती तो मैं भी हूं, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे ना? एक तो मैं अनाथ हूं और ऊपर से, अरे जो लोग हम लोगों को अपने ग्लास में पानी तक पिलाना ठीक नहीं समझते, वो भला अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में कैसे दे देंगे? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किसने तय किया कि कौन ऊंची जाति का होगा और कौन नीची जाति का, और ये ऊंची जाति वालों के पास क्या 2 नाक होती है?
एक जो सबके पास होती है, हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, और दूसरी जून है ये एहसास दिलाती है कि वो ऊंची जात के हैं। अरे यार सब कुछ तो एक जैसा होता है, लेकिन ये कोई समझना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती? और ये क्या ऊंची जाति नीची जाति लेकर बैठ गए? मैंने कभी इस बारे में तुमसे कुछ कहा? और मैं अपने भैया से बात करूंगी हमारे बारे में, मुझे पूरा भरोसा है वो मेरी बात जरूर समझेंगे। अब अपनी ये सड़ी हुई शक्ल सुधारो, चलो कहीं और चलते हैं, चलो। भैया मूत्र विसर्जन के अंतिम क्षणों में जिस सुख की प्राप्ति होती है ना, अद्भुत है वो। अरे यार अभी छुट्टी होने में कितना टाइम है। अरे प्यार में इंतजार का ही तो मजा होता है। तुमने वो गाना नहीं सुना क्या? कौन सा? इश्क और प्यार का मजा। अरे चुप कर, ऐसी सिचुएशन में इंतजार नहीं होता। हल कर दिखाइए और कोई नकल नहीं करेगा। ये जगदीश कौन है? ओम जय जगदीश हरे। हुआ किसी का? घर मेरा हो गया। लाओ दिखाओ। बाकी लोगों के सवाल मैं कल देखूंगी, ठीक है? सुनो, रुक क्यों नहीं रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सॉरी ना, उस दिन गुस्से में था इसलिए चिल्ला पड़ा। और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारी यही आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी आदत? इतना भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा वो, अच्छा सॉरी ना, अब कभी चिल्ला कर बात नहीं करूँगा। अब नाराज तो नहीं हो? नहीं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। मैं जा रही हूँ घर। अच्छा सुनो, कल संडे है, मूवी देखने चलोगी? नहीं, घर पर क्या बोलेंगे, शहर क्या करने जाना है? बोल देना कोई जरूरी काम से जा रहा है। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, अभी घर जाओ, वरना कोई देख लेगा ना तो आफत हो जाएगी। अरे देख लेगा तो देख लेने दो, मैं कौन सा डरता हूँ। सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांगने। अब जाओ, मैं जा रही हूँ घर। किसका फोन है? राहुल का है। हाँ हेलो, नजर रख उस पे, मैं पहुंच रहा हूं 20 मिनट में। क्या बात है? और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज अच्छा चल रहा है, अभी कुछ दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं।
अरे देव भाई मेरी बात तो सुनो भैया, मेरी बात देव भाई मेरी बात तो सुनो भैया, मेरी बात तो सुनो, मैं बताने ही वाली थी आपको हमारे बारे में। ले चलना है मेरे फार्म पे, चलो वहां ठीक रहेगा। ठीक है, गांव होते हुए चलना, पहले इसको घर उतारना है। ये कहां ले जा रहे हो मुझे? गुस्सा नहीं, मैं यही मार दूंगा। सुनो बेटा, अगर मुंह से आवाज निकली है तुम्हारे थोड़े जान निकाल देंगे साले तुम्हारी। चलिए इस मजनू की औलाद को। हाँ बेटा, हमारी सारी आशिकी निकाल देंगे हम आज। तुझसे कितनी बार बोला मेरी बहन के आसपास मत दिखना, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगा ना? भाई मेरी बात तो सुनो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। निकल लेंगे तुम्हारी बेटा, बात ही होना पिछवाड़े में डाल देना सारे जिंदगी भर। चार किताब क्या पढ़ लिया है, सर पे मूतना चाहता है। सुन बे हरामी, जूतियों में भले हीरे जड़े हो, रहती वो पैर के नीचे ही है, समझा? मार साले को। अब क्या करेंगे इसका? यही रखेंगे साले को, जब तक इसकी आसकी का भूत न उतर जाए। तुम दोनों यही रहना, भाग ना जाए साला। चल चुपचाप पड़े रहो, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुन सके। प्यार से समझा रहा हूं, मेरी बहन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, भूल जा उसे। अपनी बहन से पूछ लो, वो भूल पाएगी मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगा। मार साले को। Oh,
पानी पिला इसे। देव भाई, अरे सब गड़बड़ हो गई यार। अरे वो भाग गया साला यहां से, अरे दीवार खोद के भागा है। हाँ हाँ, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वो नहर की तरफ भागा वो। हाँ आओ जल्दी आओ। अबे ये सब क्या? अरे साले ने गुम्मा मार दिया। साला कैसे भाग गया? अरे दीवार खोद के भागा। इधर गया। चलो चल चलो। Thank you.
पापा देखिए कौन है। कौन लोग मार डालेंगे मुझे? इधर बैठो। उन लोग मार डालेंगे मुझे। कौन लोग मार डालेंगे? हाँ बताओ, कौन लोग मार डालेंगे? तुमने चोरी वोरी तो नहीं की है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरा नाम रवि है। चोरी नहीं, प्यार किया, इसलिए वो लोग मार डालना चाहते हैं मुझे। क्या मतलब? ऋतु नाम है उसका। हम दोनों 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 दिन पहले उसका बर्थडे था। बहुत मारा उन लोगों ने मुझे। समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं ये। चाहता हर कोई कि सब एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन एक लड़का एक लड़की से प्यार करे ये किसी से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये किसी लड़की से प्यार नहीं करते, ये प्यार करते हैं। अरे जब किसी फिल्म में विलेन हीरो हीरोइन के बीच में आ जाता है तो उस समय अगर इनका पास चले तो ये खुद ही उस फिल्म में घुसकर उस विलेन को खून करते हैं। और जब फिल्म के आखिर में हीरो हीरोइन एक होते हैं तो उसमें इनके चेहरे पर जो खुशी दिखती है उसे देखकर आप यही कहोगे कि प्यार के सबसे बड़े पुजारी यही हैं। लेकिन अगर इनकी बहन या बेटी किसी से प्यार कर लेना तो इनका खून उबलने लगता है, इनकी इज्जत जाने लगती है। तुम सही कह रहे हो, यहाँ लोग प्यार को पूछते तो हैं, लेकिन समझता कोई नहीं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग। दरवाजा मत खोलना, अरे कौन है आप लोग? जुड़ो पूरे घर में। क्या है? मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं यार, यहाँ एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ बस। जुड़ो मुझे छोड़ दो, यहाँ छुपे बैठे हो, मुझे छोड़ दो। रुको, मिलाओ नहीं, बाहर निकलो। देखो इधर, रुको, इधर देखो, यहाँ छुपा बैठा था ये। क्या रुको, इसको चुभे हरामी, इससे भागा तो लगा बच जाएगा। रुको, छोड़ दो उसको, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। कौन है ये? ये कौन है सब? अरे पापा, हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे आइए बता रहे हैं ना, चलिए अगला भाई बता। पापा दरवाजा खोलो। हाँ सुधा, दरवाजा खोलो।
अरे बचा लो, ये लोग मार देंगे मुझे। अरे बचा लो, कोई ना कोई बचाने नहीं आएगा तुझे, समझा? कलेजे को ठंडक, बच गई तुम्हारी इज्जत। और आप लोग क्या देख रहे हैं, बंदर का तमाशा? अरे खेल खत्म हो गया, ताली बजाओ, बजाओ ताली। और तुम वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालो, डालो और दिखाओ दुनिया वालों को कि हम कितने स्मार्ट हो गए। साला सब खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं। अरे हाथ में स्मार्टफोन आ जाने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता? दिमाग की खिड़कियों को खोलो तो कुछ रोशनी घुसे अंदर। साला हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन अभी तक जात पात के बेड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए। असल में हम निकलना ही नहीं चाहते। अरे ऊंची जात की लड़की नीची जात के लड़के से शादी कर लेगी तो उसका भाई नीची जात के जीजा के पैर कैसे छुएगा, है ना? क्या बोल रहा है? तेरा भी वही हाल करूंगा, समझा? क्या हाल करोगे? मारोगे मुझे? मार दो, मुझे भी मार दो, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। ऊंची जाति नीची जाति, मैं पूछता हूँ किसने बनाई ये जातियां? ये किसने तय किया कौन ऊंची जाति का होगा और कौन नीची जाति का? कभी जानने की कोशिश की? लेकिन नहीं, हमें जो बचपन से घोट घोट कर पिला दिया गया उसके आगे कुछ जानना ही नहीं है। अरे जिन चार वेदों के मजबूत खंभों पर ये धर्म टिका है ना, कभी पढ़ने की कोशिश की उन्हें? पढ़ो ऋग्वेद तो समझ में आएगा ये जातियां कैसे निकली। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उस पुरुष का जिक्र है जिसका हिस्सा है ये जातियां। ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई, इंसानों ने बनाई है। पर आज उन्हीं जातिवादी पेड़ियों की गुलामी के चक्कर में फंसकर भगवान के शिकार प्रेम के पाठ के विरोध में इंसानियत की हत्या हुई है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार हो तुम सब लोग जो यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन ये बात अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगी, ये सब उस दिन समझ में आएगा जब तुम्हारे किसी बेटे या भाई की हत्या कर दी जाएगी और लोग इसी तरह से खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो जो इन लोग ने करी। तुम्हें सजा कानून देगा। असलम क्या ये वही भारत है जिसका नाम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के प्रतीक बेटे भरत के नाम पर रखा गया? क्या ये वही भारत है जहां पर प्यार करने के लिए देवताओं ने अपना दैवत्व त्याग करके अवतार लिया? नहीं, ये वो भारत नहीं है। ये वो भारत है जहां पर आज भी मजनू को लैला के प्यार को पाने की कोशिश में लोगों के पत्थर खाने पड़ते हैं। ये वो भारत है जहां आज भी हीर को राजा से मिलने का दिलासा तो मिलता है लेकिन असल में उसे मिलती है तो सिर्फ खतरनाक मौत। ऐसी मौत जिसके बारे में सोचकर इंसान की रूह कांप जाए। ये वो देश है जहां आज भी हर साल करीब 1000 लोगों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने प्यार किया होता है। ये वो देश है जहां हर दिन 7 प्रेमियों की हत्याएं, 14 आत्महत्याएं और 47 अपहरण की घटनाएं होती हैं। और ये सब तब हो रहा है जब हर कोई अपने आप को प्यार का सबसे बड़ा पक्षधर मानता है। तो फिर कौन करता है ये सब और क्यों? ये वो सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं।